हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग साइन के बारे में। अगर आप किसी रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हो और बहुत दिनों से आप चुप थे और अब आपने बोलना शुरू कर दिया है, तो वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा, कैसे कैसे है उसकी प्रोसेसिंग, मैं यहाँ पे ये बताऊँगी आपको। देखिए, जब आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होते हैं, हस्बैंड वाइफ मेनली होता है शादी से पहले, तो अगर बॉयफ्रेंड ऐसा लड़कियाँ छोड़ देती हैं उसे, या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है या हस्बैंड वाइफ ही, मेन यही दो रिलेशन होते हैं जिसमें इंसान ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। औरों को तो इग्नोर करा जाता है, बट इन रिलेशन में अक्सर लोग टूट जाते हैं। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये ठीक हो जाए, और पहले आप बोलते नहीं थे, अब आपने बोलना शुरू कर दिया, तो देखिए होएगा क्या। जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे ना, तो उन जो आपके रिश्ते में जिस भी लेवल पर नेगेटिविटी थी पहले, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिविटी निकल निकल कर बाहर आएगी। चाहे वो आपके अंदर थी, वो आपके पार्टनर के अंदर थी, जिस भी लेवल तक, जिस भी हद तक दोनों के अंदर जो नेगेटिविटी पहले, वो निकल निकल कर के सामने आएगी। ओके, इस चीज़ों को समझे। वो नेगेटिविटी निकल निकल कर के सामने आएगी बिल्कुल। जो पार्टनर पहले चुप रहते थे, आप चुप रहते थे, आपको पता ही नहीं था इसके मन में क्या चल रहा था, उसको पता नहीं चलता था आपके मन में क्या चल रहा है, तो दोनों की नेगेटिविटी निकल निकल के बाहर आएगी। फिर होगा एक दूसरों, जब आप नेगेटिविटी निकलने के बाद फिर आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आप सेल्फ लव करेंगे। जब आप सेल्फ लव करेंगे, उस दौरान आप सेल्फ लव में होते हैं, तो दूसरा जो आपका पार्टनर होता है वो आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जब वो अट्रैक्ट होगा तो वो आपकी तरफ भी आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान करें। अगर पार्टनर ईगोइस्टिक है तो उसको स्ट्रिक्टली अपनी बाउंड्रीज आप सेट करके बता दें कि मुझे ये चीज़ें अब मेरे साथ नहीं चलेंगी, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो इन चीज़ों को ठीक करना होगा। तो इस तरीके से जो है, पार्टनर में अंदर नेगेटिविटी है, पार्टनर गलत कर रहा है, तो उसको चेंज होना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक हल्का फुल्का ख़राब चल रहा, तो एक बंदा ज़्यादा दिन तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है अपने आप को, कब तक वो बेयर करेगा। सो दोनों को इक्वल रहना होता है एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए। जो भी ज़्यादा गलत है तो वो उसको बता दे कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा ठीक होइए। जिस भी कारण से कर रहे हो, जिस भी वजह से कर रहे हो, खुल करके सबके सामने वो चीज़ें रखें। कहने का मतलब ये है कि आपके रिश्ते से जुड़ी हुई जितनी भी नेगेटिविटी है, वो आपको मैनिफेस्टेशन के दौरान फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर आप धीरे धीरे जैसे ही लव वाइब्रेशन भेजेंगे, जैसे आप सेल्फ हेल्प में रह करके लव वाइब्रेशन भेजेंगे, और वो बातें खुल खुल करके जो आज तक आपको नहीं पता थी, वो जब सामने आएंगी और आपके पार्टनर को पता चलेगा भाई ये इस चीज़ से परेशान है, तो वो धीरे 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 आप देखेंगे खुद ब खुद चेंज होना, बदलना, सही होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग।